तो जैसे एग्जाम्पल है फ्लोटेशन प्रिंसिपल का, क्वेश्चन है एक आइसबर्ग है, एक आइस है इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्ज्ड इन सी वाटर और डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी है, वन है, तो सी वाटर की डेंसिटी वन है सीजीएस में, आइस की डेंसिटी 0.8 है सीजीएस में, कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव द लेवल ऑफ द सी वाटर, तो कितना फ्रैक्शन अबव सी वाटर है ये आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे करके दिखाता हूं, सपोज ये एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका वी डैश वॉल्यूम हवा में है और वी माइनस वी डैश वॉल्यूम लिक्विड में, तो डेंसिटी ऑफ वॉटर अलग है और डेंसिटी ऑफ आइस अलग है, ऐसे ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको निकालना है कितना फ्रैक्शन हवा में है, हवा में कितना वॉल्यूम है वी डैश और कितना टोटल वॉल्यूम है वी, आपको ये निकालना है कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हवा में, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो अगर ये निकालना है क्योंकि ये तैर रही है तो इसमें तैरने के प्रिंसिपल लगेंगे जिसको फ्लोटेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या है कि ये जो बॉडी सबमर्ज्ड है ये क्या करेगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगी और ये वेट ऑफ लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, होल वेट ऑफ बॉडी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, आर्कमिडीज का फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगा दिया, ठीक है यहां तक। अब वैल्यूज पुट करें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोलो क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, पहला पॉइंट यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में v माइनस v डैश वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वेट, किसका निकल रहा है लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड का मतलब यहां पर क्या है, वाटर इनटू g, तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। होल वेट के अंदर होल वेट का वॉल्यूम v, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू g, g से g कैंसिल, v माइनस v डैश बाय v की वैल्यू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या v माइनस v डैश बाय v, डेंसिटी ऑफ आइस क्वेश्चन में 0.8 है, पानी की डेंसिटी 1 है, यहां से सॉल्व करके 1 माइनस v डैश बाय v की वैल्यू आ गई 0.8 या v डैश बाय v की रेशियो आ गई 0.2 आंसर, वो तो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। पर आपको रूल समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस में किसकी डेंसिटी पुट कर रहे हो, बॉडी के वेट में बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड स्पेस में वेट में लिक्विड की डेंसिटी। क्या इस स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसके बाद ये एग्जाम्पल करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल है।